मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अब वक्त की मांग हो चुकी है, बनना चाहिए? बनना चाहिए, देशहित में होना चाहिए। कोई भी कानून हो देशहित में हो, बिगड़ाव नहीं होना चाहिए भाई। बनना चाहिए कानून, नहीं कानून तो जो अगर सही तरीके से बनना चाहिए, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, टॉन्ट नहीं कसने चाहिए। जब अगर सरकार ने कुछ सोचा है तो अच्छे के लिए सोचा होगा, सबके लिए। बार बार मुस्लिमों को ही टारगेट किया जाता है, हर चीज पे मुसलमानों को निशाने पे लिया जाता है। तो आज देश में बात चल रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, इसको लेकर तमाम बयानबाजी भी चल रही है, लेकिन अब जानना जरूरी है कि इसको लेकर मुस्लिम वर्ग की क्या राय है। इस समय हम गाजियाबाद के ईदगाह पर हैं और यहाँ पर नमाज अदा भी हो रही है, और नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चाहे बात कर ली जाए राजनीतिक शख्सियत की या इससे जुड़े कुछ लोगों की भी, तो उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं कि आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम आसो अब्बास है। मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अब वक्त की मांग हो चुकी है, बनना चाहिए? बनना चाहिए, देशहित में होना चाहिए। कोई भी कानून हो देशहित में हो, बिगड़ाव नहीं होना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए, आपस में भाईचारा कायम रहे। अच्छा, बदलते दौर में एक वर्ग ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति चल रही है, इसको लेकर केवल और केवल एक राजनीतिक मंशा है, जबकि जमीन की स्थिति कुछ और है। जमीन पर लोग चाहते हैं कि नहीं अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना। जो राजनीतिक लोग हैं वो सर राजनीतिक हवा दे रहे हैं, लेकिन देशहित में अगर कोई कानून बन रहा है तो उसका कोई विरोध या उसका कोई मतलब बेकार मैसेज नहीं जाना चाहिए, देशहित में होना चाहिए वो हमारे। आपका मानना है कि कानून बनना चाहिए, कानून आना चाहिए कि नहीं? एक परिवार में एक पति पत्नी को कितने बच्चे होने चाहिए, ये चीज़ें आप मानते हैं कि कानून होना चाहिए? भाई बनना चाहिए कानून, जो देश के हित में है, अच्छा करे सरकार, सभी वर्ग के लोगों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा काम करे, अच्छी पहल करे, सभी के लिए सबका साथ होना चाहिए, किसी के लिए नहीं, ये नहीं कि दो राय होनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। नहीं कानून तो जो अगर सही तरीके से बनना चाहिए, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, टॉन्ट नहीं कसने चाहिए दूसरी पार्टी के, एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट कसा जाता है, हिंदू मुसलमान करा जाता है, राजनीति हो रही है बहुत ज़बरदस्त राजनीति, यहाँ तक है कि आप टीवी के ऊपर अगर जो है वो देखोगे ना, अगर कांग्रेस का आ गया तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, और बीजेपी का आ गया तो चालू हो जाती है, तो ये ऐसा क्यों? जब अगर सरकार ने कुछ सोचा है तो अच्छे के लिए सोचा होगा, सबके लिए। अगर आता है कि इतनी समझ है हम लोगों को, और ये भी जानते हैं कि संसाधन सीमित हैं, भविष्य के लिए भी सोचना है, तो आखिर में विवाद कहाँ पर आ जाता है? राजनीति की बात है, अब तो विवाद तो समझ से परे है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आजकल हर वर्ग के जितने भी पैदावार है सभी वर्गों में है, हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों में, ऐसा नहीं है कि आज वो जमाना नहीं है कि 10-12 बच्चे पैदा करने वाला, आज 2-4 बच्चे पैदा करने पर ही उन्हें पालना बहुत मुश्किल हो जाता है संसाधनों की कमी की वजह से। बार बार मुस्लिमों को ही टारगेट किया जाता है, हर चीज़ पर मुसलमानों को निशाने पर लिया जाता है, कोई भी पार्टी हो कोई भी समाज हो, उन्हें सिर्फ मुस्लिम दिखाई देते हैं। ये वाला कानून बनेगा तो केवल और केवल एक वर्ग के लिए नहीं बनेगा, बल्कि सबके लिए सोचा जाए, तो हम तो बोल रहे हैं सबके लिए बनना चाहिए, अच्छी बात है। अब महंगाई का दौर है, अब पहले वाला कोई मैटर नहीं है, पहले तो सबके कितने सारे बच्चे होते थे, अब कोई भी 2 से ज़्यादा है नहीं एक्सेप्ट करता है, और महंगाई कहाँ जा रही है, कितनी परेशानी हो रही सब लोग जानते हैं। यानी अगर आने वाले समय में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो आप उसका पहल का स्वागत है, वेलकम है, दिल से स्वागत है उसका, दिल से। कोई राजनीति इस पर कोई राजनीति नहीं बोलेंगे, हमने कोई बयान ही नहीं दिया इस तरह का, आपने नहीं दिया, लेकिन ठीक है, लेकिन विपक्ष ने इस पर कहा है कि कहीं ना कहीं वोट चाहिए, उन्हें हिंदू मुसलमान करना है। बाकी आपको मैं बता रहा हूँ, हर बार मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, हर विवाद मुसलमानों से ही होता है। किस घटना को लेकर आप कह रहे हैं? आप सारे देख लो, आप खुद अगर दिखाओगे सच्चाई तो शायद ना दिखा पाओगे, सारी चीजें देख लो आप, मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप खुद जानते हो सारी चीज़। हमारा चैनल हर वर्ग जानता है, पूरा देश जानता है। यानी आप स्वागत करते हैं जनसंख्या? जी जी जी, बिल्कुल स्वागत करते हैं कानून का, हर तरीके से सहमति है। चलिए, तो आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार की तरफ से कब इस पर विचार किया जाता है, लेकिन देश से यह मांग लगातार उठ रही है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जल्द से जल्द एक कानून लाया जाए। तो हमारी कुछ बातें थी जो मुस्लिम वर्ग से थी, उनका भी ये मानना है कि जल्द से जल्द देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए निशांत चतुर्वेदी, गाजियाबाद।